नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका भी अपने साथ ले गए हैं। घर से कुछ और कीमती सामान दस्तावेज गायब हैं। सत्यार्थी का घर कालकाजी के अलकनंदा अपार्टमेंट में है। फिलहाल सत्यार्थी एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने लैटिन अमेरिका के बोगोटा गए हैं। वारदात वाली रात सत्यार्थी के घर पर ताला लगा हुआ था। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते चोर कैलाश सत्यार्थी के नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका भी अपने साथ ले गए। सुबह जब उनके एनजीओ के कर्मचारी घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ और अंदर से सामान गायब पाया। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए हैं। चोरों के सुराग के लिए पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालेगी। खबर आ रही है कि चोर घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की सीडीआर भी अपने साथ ले गए हैं। कैलाश सत्यार्थी फिलहाल विदेश में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यह चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार मेडल और प्रमाण पत्र की चोरी 2004 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के संग्रहालय से हुई थी। टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। देखते रहिए डीबी लाइव।